हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवराज। एंड गाइस, आज का जो टॉपिक है, थंबनेल को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन वर्सेस मास गेनर। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वे प्रोटीन क्या होता है, मास गेनर क्या होता है, वे प्रोटीन आपकी बॉडी को कैसे रिजल्ट देता है, मास गेनर आपकी बॉडी को कैसे रिजल्ट देता है, वे प्रोटीन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और मास गेनर किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन क्या होता है, कैसे बनता है। और वे प्रोटीन को अगर हम एक डेयरी प्रोडक्ट बोले तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर दूध को प्रोसेस करके जो प्रोटीन बनता है उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। और प्रोटीन की प्योरेस्ट फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं, वे प्रोटीन को, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसमें हमें ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है वे प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन हमें इसमें ज़्यादा मिलता है, जो कि हेल्प करता है आपके मसल को ग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी को लीन करने के लिए, आपकी बॉडी से फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी दिखानी है, एथलेटिक बॉडी दिखानी है, और आपको एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आपको वे प्रोटीन बहुत हेल्प करता है आपकी मसल को ग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी को लीन करने के लिए। सो गाइज, ये थी वे प्रोटीन की बात। गाइज, अब बात करते हैं मास गेनर की, यानी कि वेट गेनर की। गाइज, बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है, स्पेशली जो स्किनी लोग होते हैं जिनका बॉडी वेट 50 kg से कम होता है, कि उनको मास गेनर यूज़ करना चाहिए या वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। तो उनकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। जो लोग 50 kg से कम हैं वो डेफिनेटली मास गेनर या वेट गेनर ही यूज़ करें, क्योंकि अगर वो वे प्रोटीन यूज़ करते हैं उस बॉडी वेट में तो वो उनके लिए सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि आपको पहले मास चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मास नहीं होगा तो मसल कैसे आएगा, और अगर आपकी बॉडी में मसल ही नहीं है तो आपको रिकवरी कैसे होगी आपकी मसल की। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मास गेनर यूज़ करें, और जब आपका जो बॉडी वेट है 60 अबाव हो जाए या 65 तक हो जाए, तब आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं आपके मसल को बिल्ड करने के लिए। आपका जो आपकी बॉडी में अगर थोड़ा फैट भी आता है तो आप उसको वे प्रोटीन यूज़ करके, हार्ड वर्क करके और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, वेट ट्रेनिंग करके, आप जो आपकी बॉडी में जो फैट आता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, साथ के साथ वे प्रोटीन यूज़ करके, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को लीन करने के लिए, आपके मसल को ग्रो करने के लिए। तो आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं जब आपका बॉडी वेट 60 से ऊपर हो जाए या 65 से ऊपर हो जाए, लेकिन उससे पहले अगर आपको आपका बॉडी वेट 50 kg है और आपको बॉडी वेट गेन करना है, तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा लेनी होगी। अगर आप फूड से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आप मास गेनर यूज़ करें, जो कि आपकी कैलोरीज की कमी को पूरा कर देगा, क्योंकि जो मास गेनर का जो एक सर्विंग होती है उसमें अगर हम बात करें तो 1200 से लेकर 1500 तक आपको एक सर्विंग में, यानी कि एक स्कूप में आपको कैलोरीज मिलती हैं, और इसके साथ में वे प्रोटीन में 100 से 150 कैलोरी आपको मिलती है एक सर्विंग। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वे प्रोटीन आपका सिर्फ उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत कम होता है, क्योंकि वे प्रोटीन आपके मसल को ग्रो करता है, और जो मास गेनर है वो आपके वेट को गेन करता है, इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और कैलोरीज आपको उसमें भरपूर मात्रा में मिलती है। सो गाइस, एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का गोल है कि आप एथलेटिक दिखें, आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर दिखें, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे, आप मसल मैन दिखें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन ही कंज्यूम करना है, वे प्रोटीन ही यूज़ करना है। और अगर आपका बॉडी वेट 50 kg से कम है तो आप पहले मास गेनर यूज़ करें, जब आपका वेट 60 से ऊपर हो जाए तो आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं अपने मसल को अच्छे से बिल्ड करने के लिए। और अगर आपकी बॉडी में फैट आ जाता है मास गेनर लेने के बाद, तो उसको भी आप वे प्रोटीन यूज़ करके और वेट ट्रेनिंग करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड में पहले ये सेट होना चाहिए कि आपने क्या करना है, और आपका जो डिसीज़न होगा वही आपकी बॉडी को इम्प्रूवमेंट देगा और आपके जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अपनी तरफ से किसी कंटेंट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले टाइम में मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, फिटनेस से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस, वर्कआउट वीडियोस, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो इन सब के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।